हेलो फ्रेंड्स, एमबी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जीएस का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। दोस्तों, अक्षांशी रेखा आपको पता ही होगा, जो लेटी हुई होती है उसे हम लैटिट्यूड या अक्षांश बोलते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो ये जो खड़ी हुई रेखाएं आपकी देशांतर है और ये लेटी हुई रेखाएं आपकी अक्षांश है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के कुछ क्वेश्चन। उसके पहले एक इंफॉर्मेशन कि आप कभी हमारे क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन दी हुई लिंक को क्लिक करें और जाएं सीधे कहां पे, परीक्षा ऐप पे। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने के बाद में वहां पे मध्य प्रदेश राज्य सिलेक्ट करें, मध्य प्रदेश में पीईबी व्यापम सेगमेंट में जाए, वहां नीचे स्क्रॉल कर रहे मिलेगा आपको जेल पहरी का डेली डोज। ये यस दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं या डेली जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, जेल पहरी से। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से जीएस हिंदी और साइंस का डिस्कशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों, वहां पे क्वेश्चन करें और यहाँ पे डिस्कशन देखिए क्या हम दोनों की सोच मिलती है क्या। देखिए, क्वेश्चन से ही दूसरे क्वेश्चन भी बनते हैं, कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। ए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बी, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सी, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो क्या गलत है दोस्तों इसमें, इसमें डी ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि जो ध्रुवीय वृत्त होता है वो 66.5 डिग्री होता है, वो तो पोल पहुंच गए आप, तो ध्रुव, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त नहीं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए तो 90 डिग्री होता, तो डी ऑप्शन जो है आपका गलत है। नेक्स्ट के साथ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितने आगे या पीछे है। ठीक है, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइमलाइन, ठीक है, और हमारा क्या है आईएसटी फुल फॉर्म, कमेंट में बताएंगे आप। ठीक है, चलिए, तो ए ऑप्शन है आपका 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है, बी 5 घंटे 30 मिनट पीछे है, सी 6 घंटे 30 मिनट पीछे है, या डी 4 घंटे 30 मिनट आगे है। तो क्या दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, हम आगे हैं क्योंकि सूरज उगता है जापान से, तो जापान सबसे आगे है, फिर हम लोग आगे हैं, तो हम लोग कहां पर है 5.5 घंटे हम आगे हैं किससे, GMT से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती, केनिया या केनिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील, बताएं। सही आंसर है दोस्तों इसका मैक्सिको। मैक्सिको से कौन सी रेखा गुजरती है, कमेंट में बताएं। ठीक है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही किस महाद्वीप से गुजरते हैं, अफ्रीका से, एशिया से, उत्तर अमेरिका से या दक्षिण अमेरिका से। अब दोस्तों ऐसा मत समझना कि एशिया सबसे बड़ा, तो एशिया से गुजरते, नहीं, अफ्रीका थोड़ा सा बीच में है, तो उसकी स्थिति ऐसी बनती है कि उससे तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो खींची गई है, कहां खींची गई है, अफ्रीका से होकर खींची गई है, प्रशांत महासागर से होकर खींची गई है, एशिया से होकर खींची गई है या अटलांटिक महासागर से होकर खींची गई है। दोस्तों किससे होकर खींची गई है, प्रशांत महासागर से। इसका एक फेवरेट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, बताइए ये कितनी बार मुड़ी है। ठीक है, इसको कितने बार मोड़ा गया है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, जो क्वेश्चन है उसके अलावा मैं आपसे कमेंट में अलग क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूछे गए हैं, हर एग्जाम में देखे गए हैं और रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये मेरे 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, जितने मैंने पेपर खंगाले हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट होने का टाइम और उसके बाद हमें पढ़ाने के टाइम पे मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैंने पूछे इनके कमेंट में जरूर आंसर करें। हाँ, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, पृथ्वी
का अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल दो, एक और दो, और न एक ना तो दो। क्या है सही आंसर दोस्तों? ऐसे आजकल बहुत व्यापक पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो आपको इस तरह क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका सही आंसर है सी, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है? ठीक है, ऋतु परिवर्तन का कौन सा मेन कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, घूमती रहती है, ठीक है, 23 से 23 के बीच में। पहला सही लग रहा है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिति कक्षा में परिक्रमण, थोड़ा बात जम नहीं हुई, चंद्रमा के कारण ज्यादा मौसमों पर हमारे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उपरोक्त सभी नहीं, ए जो है हमारा सही आंसर है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ये तरीका भी है इन क्वेश्चंस को पढ़ने का, समझने का, खुद को समझाने का, ठीक है, और आप उसका सही आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त है ना, ठीक है, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान को की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर है दोस्तों इसका? इसका सही आंसर है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, ठीक है, मतलब आपका बी आंसर जो है, सॉरी सी आंसर जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं? साल भर दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, बताएं कहां पर होते हैं दिन और रात बराबर? भूमध्य रेखा पर होते हैं, ठीक है। अब आपको मेरे को ये बताना है कि कहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, कमेंट में बताएं, ठीक है, नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, नॉर्थ है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे स्मॉलेस्ट डे किस तारीख को होता है? ऑप्शन इज शॉर्टेस्ट डे 15 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 जून और 22 जून, कब होता है बताएं? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। कमेंट के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपके कमेंट में आंसर्स का वेट रहेगा, इन क्वेश्चंस को करते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी। इसके लिए किताबें देखिए, जहां आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन अपने ये टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो उस टॉपिक को जाके पढ़िए, अच्छे से करिए, उससे क्वेश्चन फिर करिए, और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपके स्कोर कार्ड पे कितने नंबर आए हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ऐसे और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।